तो फाइनली आपने अनबॉक्सिंग देखा, मजा आया होगा। मुझे भी बहुत मजा आया इस फोन को जब मैं अनबॉक्स कर रहा था, बट फोन यूज करते वक्त मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और इस फोन के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में ही अमेज़न के ऊपर ये फोन काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा था। रीजन, प्राइस और इस प्राइस में मिलने वाले स्पेक्स। स्टार्ट करते हैं हम इस फोन के प्राइस से। नोकिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप चेक करेंगे तो इस फोन का प्राइस 6499 आपको शो करेगा, बट अमेज़न पर ये फोन जो है 5699 रुपए जो है वो दिखा रहा था। बट यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी लगे हुए थे और उसको लगाने के बाद लगभग 5500 रुपए का मिल जाता है। इस फोन में 1 ईयर का रिप्लेसमेंट गारंटी आपको दिया जाता है। बात करें फोन के डिस्प्ले की, 6.3 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। फीचर्स की बात करें, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, ऑटो HDR, टाइम लैप्स जैसे फीचर दिए गए हैं। बैटरी आपको 3000 mAh का मिलता है जो कि रिमूवल है जैसा कि आपने देखा। और जो इसमें चार्जिंग एडेप्टर है वो है 5W का। इसमें आपको 2GB का रैम मिलता है और वर्चुअल रैम जो है वो 2GB का मिल जाता है, यानी टोटल जो है 4GB का रैम मिल जाता है। इंटरनल स्टोरेज जो है 64GB का मिलता है। अब इस फोन को जो हाईलाइटेड करके बेचा जा रहा है वो है इसमें रैम, यानी 4GB रैम, 2GB वर्चुअल मिलता है और 2GB आपको इसमें मेन रैम जो है वो मिलता है, बट टोटल आपको 4GB रैम मिलता है। और यहीं पे होता है कंफ्यूजन, खास करके वैसे लोगों को, मतलब जो गांव एरिया में, छोटे टाउन में रहते हैं, जैसे जो किसान वगैरह हैं, तो वो भी आजकल क्या है कि स्मार्टफोन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्मार्टफोन जो है वो चाहिए भी और वो भी कम दाम में। तो ऐसे लोग जो है ऐसे वाले फोन के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कि 2 महीना भी सही से नहीं चलता है और फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है, भैया पैसा डूब गया हमारा। तो उनको ये पता नहीं होता है ये जो डायनेमिक रैम दिया गया है, मतलब वर्चुअल रैम जो है, उसका कहानी कुछ और होता है। वो सीधा सीधे कैलकुलेट करते हैं, भैया 4GB रैम है, 64GB, 4GB, वो भी 5000 रुपया में मिल रहा है और क्या चाहिए भैया, बस इतना काफी है। फोन का जो परफॉर्मेंस है, पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बता देता हूँ, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। इस फोन में यूनिसॉक का 9863 AI चिपसेट का यूज किया गया है। एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है गो एडिसन। फोन की बॉडी की बात की जाए तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज किया गया है। नैनो टेक्सचर, मेटालिक फिनिश, अकॉर्डिंग टू प्राइस दिखने में अच्छा लगता है। तो परफॉर्मेंस, इस वाले फोन से मैंने कुछ फोटो क्लिक किए थे लेकिन वो फोटो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, इसलिए क्योंकि फोन में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, मुझे फोन फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा। फोन हद से ज्यादा हैंग कर रहा था, वर्चुअल रैम इनेबल करने के बाद भी रैम मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है फोन का। फोन जो है वो इतना ज्यादा हैंग कर रहा था कि मतलब जो स्वैप करो, स्लाइड करो, वो भी नहीं हो रहा था। ऊपर से जब फोन स्विच ऑफ करते थे तो वो फोन जो है स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा था। फोन आए हुए लगभग 15 दिन हो चुका था और यहाँ पर जो रिटर्निंग पॉलिसी था वो निकल चुका था। काफी सारी मुश्किलों के बाद फोन जैसे तैसे जो है वो रिस्टार्ट हमने किया। फोन को जो हमने पूरा फैक्ट्री रिसेट कर दिया, जितना भी मैंने फोटो क्लिक किया था, वीडियो शूट किया था, वो सारा जो है वो डिलीट हो चुका था। एंड देन जो कस्टमर था जिसने ये फोन मंगाया था, उसे ये फोन मुझे देना था वापस, क्योंकि भैया जुगाड़ करके जो है वो फोन हम ऊपर करते हैं एंड देन फिर हम फोन का रिव्यू जो है कंप्लीट रिव्यू आपके सामने लाते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये मेरा दूसरा चैनल है, पहला चैनल जो है उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर 70,000 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था आप जो है एक रिव्यू वाला अलग से चैनल खोल लो एंड देन वहां पर जो है वो आप रिव्यू करो। और जब मैंने इस चैनल को खोला था, मैंने दिमाग में एक चीज बैठा लिया था, इस चैनल पर मैं वैसे प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा जिसका प्राइस जो है वो कम हो लेकिन बढ़िया हो। अगर कोई प्रोडक्ट मुझे 1000 का मिल रहा है और उस प्रोडक्ट में जो स्पेक्स मुझे दिए जा रहे हैं वही स्पेक्स अगर मुझे 800 वाले प्रोडक्ट में मिल रहा है, सेम टू सेम परफॉर्मेंस भी सेम, तो मैं वो 1000 रुपए स्पेंड क्यों करूंगा, मैं 800 रुपए ही करूंगा, 2000 रुपए मेरा बचेगा। इस चीज का ध्यान में रख के मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं ताकि आपका कुछ पैसा जो है वो बच जाए, जिससे आप और भी कुछ बढ़िया चीज ले पाओ। तो ये जो फोन है नोकिया C12, मुझे लगता है कि ये फोन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा। 100 बात की एक बात, अगर ये नोकिया C12 आपको कोई देता है 3000 रुपए में भी तो मत लेना। दिमाग में एक चीज आप बैठा लो, अगर आपको फोन में 4GB रैम मिल रहा है वो भी 5000 या फिर 6000 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस फोन में आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। स्टोरेज टाइप कौन सा यूज किया गया है, रैम टाइप क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन पर ये डिपेंड करता है कि फोन का परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलने वाला है। ये मायने नहीं रखता है कि इसमें रैम मुझे कितना मिल रहा है। 2GB का वर्चुअल रैम जो है वो आजकल तो यही चल रहा है, डायनेमिक रैम, वर्चुअल रैम, वो चिपका देते हैं ये सोच के कि हमें इसमें परफॉर्मेंस जो है वो मिलेगा। बट इस वर्चुअल रैम की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में डिटेल से आपको समझाएंगे कि बेसिकली ये वर्चुअल रैम करता क्या है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल भैया याद से दबा दीजिएगा, तभी तो प्रकट होंगे कहाँ आपके फोन पर। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अनबायस्ड रिव्यू के साथ।